देख सकते दोस्तों, यहाँ पर मंजा पूजा में सांप निकला था। मारे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। अभी इन लोगों के सांप दिखा गए। आप देख सकते खबर घर है। ठीक, कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ध्यान दे भी कितना गए हरे कहाँ तो देखा फिर तो पागल रोल रो कौन भीतर तो देखा पहले कोले गलो नजर आलो आप देखे देखा यहाँ वहाँ पर देखो तो आराम से ताली एक दिके ध्यान रखी ना सब दिके दौड़ा भी नहीं हुआ के भाई भाई लोग आज चार दिन आठ को आए का हो हाँ गायब ना हो जाके जब देखो ले आठ नहीं आओ ऐसा कौन लगा लो कौन लगा फिर कहाँ गए इधर लगना इधर बात जो है कि मनसा पूजा का ठीक हम उपास के दिन यहाँ पहुंचे हुए थे ढोकरा बावरी को भी। यहाँ पर हमने एक दोस्त से फोन किया था। आप देख सकते हैं उस दिन हम इन लोगों का मानना था कि सांप बीच में घुसा, लेकिन हमने यहाँ दवा तोड़ करके चुके थे, लेकिन सांप हमको मिला नहीं था। लेकिन आज इन्होंने फिर हमको दोबारा कॉल किया। आप देख सकते हैं ये स्पेशल कोबरा दोस्तों, जो कि भारतीय नाग और जेमन खरीदना से जाना था। चूंकि दोस्त ये बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं और बहुत ही ज़्यादा, तो हमारा वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। हम इसको रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं पहले, उसके बाद जो है हम उसके बारे में जानकारी देंगे। बंद कर लोग डरा सब ध्यान
साला मुटी पर था मुंह ना धरला कोनो पाई ना दे ये वाला फचले के मुंह तो आई बार ज्यादा मैंने एक भी बेसी धरा लो इटा हाथ में ए तारे पत्ता है कलम उठा पोस्ट कटाई ना 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 हाथ ना पैसा कुछ আরে ওই লেট তো তাইরা হল হাওয়া অনলাইন তো চাই কই কে ফসল নাই তো আমরা ফসল আই হো ওনা ফসল আরে বাবু আম ফসলি ছড়া আচ্ছা দাও 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 দূরে আউটা আম কই দাও সব কথা আরে ফন্ড ভিডিওটা বনা ঝাপ ঝাপ বানাই দি বুঝ ভিডিও মানে কাপড়টা হটাবো ঝাপ 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 নাম বাতা দে মুই কই এক মিনিট ঝাপ ঝাপ এক মিনিট हम देखो ना हम देख पाओ इधर को नहीं रखा पाओ तो दोस्त देखने को अबे अगला अपने नया ना अरे ये तू उधर ना पूरा धोखा दे ये धर ले यहाँ पर आराम से खड़े पेचू पेचू हाँ पेचू ना तो है धन ना हाँ ऊपर दिखो ऊपर दिखो ऊपर दिखो ऊपर दिखो ठीक है ना मेरा गेंजा तो बर्बाद कर दिए कुछ नहीं फिर लेना उसने जान नहीं जा हाथ डाल दिया फिर लेगा जान खत्म हो जाए ठीक है तो फाइनली फ्रेंड्स हमको इस तरह से सबको रेस्क्यू करना पड़ा बहुत ही ज्यादा अपना जानकारी लेकर के जो हम इस सबको रेस्क्यू किए हैं ये अस्पताल कोबरा करते ये बहुत ही जहरीला होता है जिस तरह से हम इस सबको पकड़े कभी भी इस तरह से कोशिश ना करें क्योंकि किसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है सीखने का जरूरत पड़ता है प्रशिक्षण का जरूरत पड़ता है बिना प्रशिक्षण का सांप को हैंडलिंग ना करें हम यहाँ पर आए थे और उस समय एक भेड़िया भी आया था मतलब क्या बोलते हैं सवेरा हमने उसको इतला दे करके वार्निंग दे करके उसके पास एक कोबरा था और जिसको आग से कुछ नजर नहीं आ रहा था उसको 15-20 दिन से भूखे रखा था हमने उसको पैसा दे दिया मनसा पूजा में और बोला कि तुरंत जो भी रिलीज कर दे तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्पेशल कोबरा ये लोग भाई सब बहुत डरे हुए थे और ये खबरेल का मकान है ये किसी तरह से छुपा हुआ था उस दिन हमको नजर नहीं आता और ना ही इन लोगों को चलो वापस चल गए और ये सब हमें मिला चलो दिखे ना बच्चा नहीं सांप पकड़ा भाई साहब के हम यहाँ आए दो थे जहर दे दोस्तों कभी भी अगर ये सांप काटे हम बार बार आपको बता रहे हैं जानकारी रखिए ताकि जानकारी बचाव है कभी भी अगर ये सांप काट ले तो तुरंत जो है कि पीएमसीएच जाए या अन्यथा हमें कॉल करें ठीक है हम आपको दे। आप तुरंत जो है कि पीएमसीएच जाए वहाँ डॉक्टरी सलाह लेना कि वजह को नहीं झाड़ फूक इसका जो जहर होता है कोई भी वजह हम चैलेंज कर देंगे कोई भी वजह जो इसका जहर जो है झाड़ नहीं सके क्योंकि दोस्तों इसलिए वजहगुनी के पास विश्वास किया जाता है ये जो सांप है स्पेशल कोबरा जिसको हम लोग नाग बोलते हैं हिंदी में खरीज बोलते हैं गेहमन बोलते हैं ये सांप 80% फॉल्स बाइट करता है यानी कि 80 बार जो है कि झूठ मूठ का काटता है और खास करके अगर सिंगल बाइट हो वही बाइट जाता है वजह के पास इसमें जहर नहीं डालता और वहाँ से झाड़ फूक करके वो बच के आ जाता है तो विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है झाड़ फूक से आज विदेश में सांप से मौत इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ शिक्षित है वहाँ शिक्षित आदमी कभी भी ओझागुनी के पास तो ये काटने के लिए माहिर होता है दोस्तों इसको अगर आप जान बूझ करके इसको छेड़ने जाइएगा या इसको कुछ भी कीजिएगा तो तुरंत काटिएगा इसलिए तो बिना प्रिसीजन का कभी भी सांप ना पकड़े आज भाई साहब ने हमें दोबारा बुलाया हम बहुत
खुशी हुआ कि एक मेजबान को बचाने के लिए हमें बुलाया गया। डाका नहीं भेजते टेंशन टेंशन नहीं ले तो फाइनली फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत के बाद इस सांप को रेस्क्यू कर लिया है। अभी हम इसको जो है कि बारे हम लोग रिलीज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब का जिन्होंने हमें इस बेजवान को बचाने के हमें कॉल किया। और इसी तरह से हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए ताकि हम इस बेजवान को बचा सके, क्योंकि सांप एक ऐसा प्राणी है जो हमारा पर्यावरण को मेंटेन रखता है, हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखता है। क्योंकि ये लोग चूहा का शिकार करते हैं और चूहा हमारे अनाज को बर्बाद करता है कि नहीं। चूहा जो है हमारा घर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेपर या अनाज का बोरा वो सब नष्ट करता है, और वो ये जो है ये चूहा को खा करके हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखता है। झोला कहाँ दे 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 मेरे पास।